अग्नि परीक्षा लगातार जारी है। पल पल की अपडेट प्राइम टीवी आपको उपचुनाव से जुड़ी दे रहा है। उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दो सीटों पर साइकिल आगे चल रही है। चुनाव में बढ़त बनाती दिख रही है सपा। सपा लगातार आगे चल रही है। दो सीटों पर उपचुनाव की अग्नि परीक्षा जारी है। इस खबर पर हमारे साथ रामपुर से तुषार जुड़ेंगे। तुषार, उपचुनाव हुआ था तीन सीटों पर जिसकी मतगणना आज हो रही है, आप रामपुर में मौजूद हैं, क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जो है आज सुबह से जो है मतगणना की प्रक्रिया लगातार एकदम जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है ये मतगणना की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और अगर देखा जाए तो सुबह से ही जो है रामपुर में साइकिल लगातार चल रही है। साइकिल के ही जो है यहाँ पर मतलब बढ़ोतरी हो रही है। 6000 वोटों से आठ राउंड यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ की जो साइकिल है सब जो प्रत्याशी यहाँ से मतलब वो लगातार आगे चल रहे हैं। तो वही अगर देखा जाए भाजपा के जो प्रत्याशी आशा सक्सेना वो अभी जो है डाउन स्थिति में है, वो भी चल रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो है कि सपा के जो नेता है आजम खान, क्या वो अभी लगातार आगे ही चलते रहेंगे और जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं क्या वो अपनी नाक बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ये तो जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जो है बोलना जो है वो सही रहेगा। अभी बोलना जो है जल्दबाजी होगी। जी तुषार, आसिम रजा आगे चल रहे हैं जो सपा प्रत्याशी है, क्या वजह है कि आसिम रजा आगे बढ़त बनाए हुए हैं? देखिए अगर देखा जाए तो जो है सपा के जो है बड़े बड़े नेता रामपुर में आए थे लगातार, चाहे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यहाँ तक कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और ये तीनों ही दिग्गज नेता रामपुर के जो है किले के गेट पर एक ही मंच पर दिखे थे, सबको दिखे थे। उसके बाद इन्होंने जो एक जनसभा को यहाँ पर संबोधित किया था। संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने भी झोली फैलाकर जो है यहाँ पर वोटों की अपील की थी। आजाद समाज पार्टी के हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वोटों की अपील की थी। वहीं अगर देखा जाए जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी यहाँ पर आके जो है वोटों की अपील की थी। वहीं लगातार सपा नेता आजम खान लोगों के बीच में जा रहे थे। सपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपा के जो नेता हैं वो लगातार जो है अपने विवादित बयानों को चलते जो है सुर्खियों में रहते थे। देखा जाए तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो रामपुर की जो जनता है वो किस तरीके से उनके ऊपर जो है विजय का ताज पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी तुषार, रामपुर में अभी कितने राउंड की मतगणना होनी है और अभी कितनी हो चुकी है? देखिए लगभग 35 से 34 राउंड यहाँ पर निकलेंगे पूरे, यहाँ पर जो है पूरे होंगे। और फिलहाल यहाँ पर 8 राउंड जो है पूरे हो चुके हैं। और अगर 8 राउंड की यहाँ पर बात की जाए तो 8 राउंड में जो है साइकिल यहाँ पर जो है बढ़त बनाई हुई है। साइकिल लगातार सुबह से जो है तेजी से चल रही है। लगातार जो है सपा के जो यहाँ के जो जो वोटर्स हैं उनका कहना ये है कि साइकिल जो है लगातार ऐसी ही चलती रहेगी, साइकिल किसी हाल में रुकने वाली नहीं है। तो वहीं अगर देखा जाए तो जो भाजपा के जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनका कहना ये है कि अभी कुछ देर बाद जो है साइकिल का पंचर होने वाला है, साइकिल रुक जाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी ईवीएम की जो लगातार यहाँ पर जो है मतलब वोटर लगातार खुल रहे हैं, जगह जगह की जो वोटिंग हुई है वो लगातार यहाँ पर खुल रही है। अब ये देखने वाली बात होने वाली है। जी तुषार, लगातार साइकिल बढ़त बनाई हुई है, आप रामपुर में मौजूद हैं, सपा कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए सपा कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो सपा कार्यकर्ता लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ है वो लगातार जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है चुनाव हुआ है। तो लगातार यहाँ पर हम लोगों ने सबने साइकिल को वोट दिया है। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ये बोल रहे हैं कि हमने कमल के फूल को यहाँ पे वोट दिया है। तो जो भी प्रत्याशी हैं, आसिम रजा हो गए या आकाश सक्सेना हो गए, वो लगातार लोग के बीच में जा रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, हाथ जोड़कर लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे। तो आज ये इसका खुलासा कहीं ना कहीं होने वाला है कि जो इन्होंने इतनी मेहनत करी है क्या उसका फल इनको जो है इनका मनचाहा मिल सकता है या नहीं, यह एक देखने वाली बात होगी। जी जी धन्यवाद तुषार तमाम जानकारियों के लिए। यूके दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव नियुक्त दिवेश चतुर्वेदी को मुख्य सचिव का चार्ज
सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का सीमा विस्तार संभव। दुर्गा शंकर मिश्र को एक साल का और सेवा विस्तार मिल सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है पहला विस्तारी कार्यकाल। अगले मुख्य सचिव को लेकर भी शीर्ष नौकरशाही में अटकलें तेज हो गई। के दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव नियुक्त दिवेश चतुर्वेदी को मुख्य सचिव का चार्ज दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सीमा विस्तार संभव। दुर्गा शंकर मिश्र को एक साल का और सेवा विस्तार मिल सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है पहला विस्तारित कार्यकाल। अगले मुख्य सचिव को लेकर भी शीर्ष नौकरशाही में अटकलें तेज हो गई हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, यूके दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव हैं, वो इस समय यूके के दौरे पर हैं। यूपी फरवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार के मंत्रियों का आज विदेश दौरा बुधवार से शुरू हो रहा है। अलग अलग मंत्री समूह विभिन्न देशों में जाकर के वहां का रोड शो करेंगे और निवेशकों से इस इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निमंत्रण भी देंगे। तो इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी कनाडा और यूएस के दौरे पर रवाना होंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी होंगे, साथ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व अन्य अधिकारी भी जा रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, ये सभी लोग विदेश के दौरे पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विदेश का दौरा होगा, उस हिसाब से यूपी में जो फरवरी 2023 में जो होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसमें विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सारा डेलीगेट भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब निवेशों को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर और रोजगार बढ़ेंगे। और जिस तरीके से पिछली बार इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो कहीं ना कहीं रोजगार का बढ़ावा हुआ था, नौकरियां बढ़ी थी, भर्तियां बढ़ी थी। तो जिस तरीके से मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधित्व में भेजा जा रहा है, तो जरूर ये जीत हासिल करके आएंगे और वहां पर जो न्योता दे करके आएंगे। उसके बाद ये तो देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पर इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज होगा, तब ये देखने वाली बात होगी कि जो न्योता ये दे करके आते हैं, उसका कितना फल यहाँ मिलता है और कितना फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश के निवेशकों को और यहाँ के लोगों को मिलता है। क्या भर्तियां होती हैं, क्या नौकरियां मिलती हैं, किस तरीके से बेरोजगारी हटती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, गुजरात के वोट से आप बनेगी राष्ट्रीय पार्टी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गुजरात के वोट से आप राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? अब देखिए मयूरी, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो गुजरात के जो अभी मतगणना चली है उस बीच लेके एक ट्वीट किया और भारत के लोगों को बधाई संदेश भी दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है जो गुजरात में जो कांग्रेस और भाजपा से काफी अभी पीछे चल रही है, लेकिन हम लोगों को बता दें कि अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव उसने जीत लिया है। 15 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया है, एमसीडी में दिल्ली की ऐतिहासिक जीत है और दूसरी बार वो दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। दिल्ली के बाद वो पंजाब में भी पूर्व मत की सरकार है और गुजरात में जो है वो अच्छा खासा फाइट जो है, पहली बार गुजरात चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और गुजरात में अच्छा खासा फाइट दे रही है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कुल जो वोट परसेंटेज है उसमें 6% का वोट जो है शेयर करने की जरूरत है। अगर 6% का वोट और 2 सीटें वोट कर जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद, इसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, तो उसके बाद ये चौथी ऐसी पार्टी होगी कि जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के गगार की होगी। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।